Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about a short topic of physical geography, that is volcanic intrusive form, यानी कि ज्वालामुखी के अंतर्भेदी जो आकृतियां होती हैं, जैसे बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, लैपोलिथ है, फेकोलिथ है, सिल यहाँ पर सीट है, यहाँ पर डाइक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में है और इस डायग्राम में सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, लेकिन हम आउटलाइन डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ी हैं, तो उसमें हमने देखा होगा मैग्मा कोस्ट से लावा है वो बाहर निकलता है, तो सबसे पहले आपके आग्नेय चट्टान बनाता है, तो ये आपका धरातल का पृष्ठ है, उसके नीचे आपके ये मैग्मा कोस्ट है, इससे ये लावा निकल रहा है। अगर वो पहले जम जाता है, यानी कि धरातल के पृष्ठ से पहले ही जम जाता है, तो उससे अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान बनेगी। अगर वो धरातल पे आके जमता है तो उससे आपकी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, अब अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है वो आपके इंट्रूसिव फॉर्म का निर्माण करती है, जिसमें ये कई सारी स्ट्रक्चर बनती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या होता है, ये धरातल के पृष्ठ से कई किलोमीटर नीचे गहराई में मैग्मा कोस्ट का पिंडित रूप में जमा हो जाना। ठीक है, तो मैग्मा कोस्ट क्या है आपका, जिसमें लावा है वो इकट्ठा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब धरातल के नीचे ये जो पूरा एरिया है ये बैथोलिथ कहलाता है। तीन नंबर जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी आपकी, बैथोलिथ, जिसमें मैग्मा कोस्ट है वो कैसा हो गया है, जम गया है। ओके, अब दूसरा, अब इससे जो लावा निकलेगा वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होगा, धरातल के ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करेगा, लेकिन कई बार वो पहले ही जम के एक ज्वालामुखी नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो एक नुमा स्ट्रक्चर है उसे आप बोलते हो लैकोलिथ। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर और जो धरातल पे जो ज्वालामुखी बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, जिसमें तल कैसा होता है, समतल होता है, और ऊपर गुम्बद नुमा स्ट्रक्चर होती है जिससे आपके ज्वालामुखी का लावा निकलता है। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, अंतर केवल इतना है एक पृष्ठ पे एक धरातल के नीचे है। तो लैकोलिथ ये हो गया, और ये तीन नंबर ये बैकोलिथ हो गया, बैथोलिथ। ओके, अब हम पढ़ते हैं लैपोलिथ क्या होता है। तो लैपोलिथ होता है जस्ट इसकी अपोजिट आकृति, यानी कि अगर आप डिस्क या फिर तस्तरी देखते हैं, कोई भी कटोरी होती है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ठीक है, उसके नीचे का स्तर होता है वो गुम्बदनुमा होता है, ऊपरी स्तर होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। तो इसी तरह से अगर लार्वा का जमाव इस तरह से हो जाए तस्तरी नुमा आकृति में, ये तस्तरी टाइप आकृति है, एक प्याली, छोटी सी प्याली, तो उसे आप बोलते हो लैपोलिथ। तो ये लैपोलिथ और ये हो गया आपका लैकोलिथ। तो ये बेसिक सा डिफ्रेंसिएशन है, इसका तल कैसा है, समतल है, इसका तल कैसा है वो गुम्बदाकार है, और जबकि ऊपरी स्ट्रक्चर इसकी समतल है, जबकि इसकी ऊपरी स्ट्रक्चर गुम्बदनुमा है। तो ये इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन है। अब जो लार्वा है मैग्मा कोश से ऊपर प्रवाहित होता है वो कई बार 36 अवस्था में जमा हो जाता है, जैसे 5 नंबर में जमा है, तो उसे बोलते हैं सिल। और जमाव का मोटाई के आधार पे इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप। अगर वो कम मोटा है जमाव, लार्वा का जो लावा का जमाव है वो कम मोटाई का है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, सीट। अगर ज्यादा मोटाई का जमाव है तो उसे बोलते हैं सिल। ठीक है, अगर लावा का जमाव लंबवत अवस्था में होता है, 36 नहीं होके समकोण पे होता है इस तरह से, तो उसे बोलते हैं आप, एक दीवार की भांति स्ट्रक्चर बनती है जैसे 4 नंबर में बनी हुई है, इसे बोलते हैं आप डाइक। ठीक है, तो 2 नंबर भी डाइक ही है, आप देख सकते हो लंबवत अवस्था में जब लावा का जमाव होगा तो एक दीवार भांति स्ट्रक्चर बनेगी जिसे डाइक बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ज्यादा देखो 7 नंबर स्ट्रक्चर ये क्या है, लैपोलिथ है। 1 नंबर स्ट्रक्चर ये क्या है, लैकोलिथ है। 3 नंबर स्ट्रक्चर ये बैथोलिथ है। 2 और 4 नंबर ये डाइक है। 5 नंबर ये सिल या सीट है। ठीक है, 6 नंबर है, इसमें आपका जो डाइक है वो धरातल के पृष्ठ तक आ गया है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है
ये जो आपकी लेकोलिथ और लेपोलिथ स्ट्रक्चर हैं, इनके ऊपर अपरदन हो सकता है, भूमि की परतें हट सकती हैं, तो इससे कई बार ये भी धरातल पे आ सकते हैं बाहर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फेकोलिथ क्या होता है। तो फेकोलिथ होता है आपकी जब लावा है वो क्षैतिज अवस्था में जमा होता है तो वो चट्टानों के ऊपर एंटीक्लाइन यानी ढाल के ऊपर या फिर सिंक्लाइन ढाल के नीचे भी इस तरह से परतदार रूप में लहरदार पड़ती स्ट्रक्चर में वो जमा हो सकता है। तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर बनती है इंट्रूसिव फॉर्म, उसे फेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सब कुछ साथ में ही बताया हुआ है, मैंने सारी स्ट्रक्चर इसी में बता दी है। तो यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है जहाँ पे पिंडित रूप में जमा हो जाता है लावा, तो उसे क्या बोलते हैं, बैथोलिथ है। बैथोलिथ से एक नली के द्वारा आपका क्या जुड़ा हुआ है, तस्त्री नुमा स्ट्रक्चर है, उसे लेपोलिथ कहेंगे। और तस्त्री से जस्ट अपोजिट है, जैसे पृष्ठ पे मिलता है ज्वालामुखी, उसे लेकोलिथ कहेंगे। ठीक है, अब जो लावा है वो क्षैतिज अवस्था में जमा होता है तो उसे सिल कहेंगे, अगर लंबवत अवस्था में जमा होता है तो उसे डाइक कहेंगे। तो बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो वापस, ये बैथोलिथ हो गया, ये लेकोलिथ हो गया, ये डाइक है, नलीदार स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी डाइक है जो लेपोलिथ को आपका लावा पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अगर लेकोलिथ तो लेपोलिथ के ऊपर वाली जो परतें हैं वो अपर्दित हो जाती हैं तो वो स्ट्रक्चर धरातल से बाहर शो हो जाती है। तो बेसिकली अभी ये धरातल के नीचे बन रही है, इसीलिए इन्हें इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं, वॉल्केनिक ज्वालामुखी की अंतर्वेदी आकृतियां। तो इसमें आपकी सारी स्ट्रक्चर आ गई, फेकोलिथ जिसमें परतदार रूप में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन रूप में लावा का जमाव होता है, बाकी सारी स्ट्रक्चर हमने देख ली हैं। बैथोलिथ आपका मैग्मा कोस्ट होता है जो पिंडित रूप में जमा हो जाता है। आई होप गाइस आपको वॉल्केनिक की इंट्रूसिव फॉर्म में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारी टर्म्स यूपीएससी और स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनमें पूछा जाता है। सो थैंक्स।